नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 26 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स। एक्सपर्टीज होता है स्किल, आपकी कुशलता, आपकी दक्षता, है ना, डेक्सटरिटी जिसको बोलते हैं, तो ये स्किल है। ओवर या तो हो सकता है इसके संबंध में, है ना, कि पॉलिटिक्स के संबंध में कुशलता, या फिर यूं कहें पॉलिटिक्स से ऊपर कुशलता। दो चीज़ों का तुलना कर रखी है, एक तरफ एक्सपर्टीज है, एक तरफ पॉलिटिक्स है। तो इसको यूँ मानिए एक्सपर्टीज वर्सेस पॉलिटिक्स, और उस पर हावी कौन है, एक्सपर्टीज हावी है, है ना। तो यूँ कहें राजनीति के मुकाबले कुशलता। ठीक, किस बात को लेकर लिखा गया है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल जो विवाद है उस पर लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। लिटिगेशन ओवर वाटर, लिटिगेशन का मतलब होता है केस, या फिर इसे कहेंगे लॉ सूट, मतलब मुकदमा। तो मुकदमेबाजी जो है किसको लेकर, पानी को लेकर। कैन बी अवॉइडेड, ये लिटिगेशन की वर्ब है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। ओनली विद फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स, डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग, या इसको एग्नी कह सकते हैं, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, केवल जो निश्चित, फिक्स्ड निश्चित डिस्ट्रेस दुख, शेयरिंग मतलब साझा करने के नॉर्म्स नियम। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि पानी को लेकर मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है, केवल तभी बचा जा सकता है जब आपके पास फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स हो, कुछ ऐसे नियम हो जिसमें आप दुखों को शेयर करने की बात करें। केवल दुख एक राज्य ही नहीं भुगतेगा, दुख केवल एक साइड ही नहीं भुगतेगी, सबको बराबर दुख झेलना पड़ेगा। अगर ऐसे नियम आपके पास है तो आप मुकदमेबाजी से बच सकते हो। ठीक है, ये कैन बी अवॉइडेड पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है। मॉडल का पैसिव बनाने के लिए बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अब हम बात करें, विस्तार से बात करेंगे इसके, तो इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक क्विज चैनल भी चलता है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पर डे काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर पाओगे जो भी आपने अब तक सीखा है। अब देखिए, इन डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर, इन डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन करने में, डिक्लाइन का मतलब होता है डिनाई करना। अभी इन लग गया इसलिए आईएनजी लग रहा है। इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना है, हस्तक्षेप के साथ विद लगता है। तो इस बात को इनकार करके कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किस चीज़ में, ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA का जो आदेश है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड टू तमिलनाडु अंटिल सितंबर 27, और साथ में यहाँ पे निर्देशित भी किया गया है कर्नाटका को कि वो 5000 क्यूबिक वाटर, अब ये क्यूबिक जो है वो फ्लो ऑफ वाटर का एक यूनिट है, पानी के बहाव को मापने की इकाई है, कि इतना पानी प्रतिदिन छोड़ेगा कर्नाटक, है ना, और किसको देगा, तमिलनाडु को। कब तक देगा, सितंबर 27 तक। समझ में आ रही है बात, फिर समझो। इन डिक्लाइनिंग, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लग रहा है। इनकार करके, किस चीज़ का इनकार करके, कि CWMA का जो ऑर्डर है उससे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक चीज़ और इसमें कही गई है, डायरेक्ट करके, निर्देशित करके कर्नाटका को कि भाई हम कर्नाटका 5000 क्यूबिक वाटर, फीट वाटर जो है वो पर सेकेंड रिलीज करेगा, किसको, तमिलनाडु को देगा। कब तक, सितंबर 27 तक। अंटिल होता है टिल का मतलब देता है, अंटिल और टिल दोनों सेम है, तक का मीनिंग देता। ठीक है, ऐसा करके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही तरीके से चुना है। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने हैज और चोजन, ये चोजन जो है, चूज इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म फिर बनती है चोज, और थर्ड फॉर्म दे रखी है चोजन, राइटली है वो एडवर्ब है। तो इसने बिल्कुल ठीक एक बात चुनी है, क्या, डिफर करने की। डिफर करने का मतलब, डिफर एक तो होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, यहां पर डिफर का मतलब है अग्री होना, सहमत होना। तो इसने ठीक चुना है, क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब यहाँ पे रास्ता चुना है कि वो सहमत होगा, अग्री होगा, किसके साथ, इसका एक और मतलब लिख सकते हो, कंप्लाई विद, आज्ञा का पालन करना। विजडम मतलब विवेक है, बुद्धि है, किसकी, एक्सपर्ट बॉडी, जो भी एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप था उसकी, दैट इज बेटर प्लेस्ड, जो कि बेटर प्लेस्ड है, सही तरीके से स्थापित है अपोर्शन करने के लिए। अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट, विभाजित करना, बांटना, किसको, अवेलेबल वाटर को, उपलब्ध पानी को, इन अ रेनफॉल, एक बारिश में, रेनफॉल डेफिसिट ईयर,
एक ऐसे वर्ष में जब बारिश कम होती हो, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, कमी होती है, फिर समझिए। तो ऐसा करके, कैसा करके, ये दो बातें करके, एक तो यहाँ पे मना कर दिया है कि हम CWMA के ऑर्डर को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरा कर्नाटका को आदेश दिया है कितना पानी प्रतिदिन देना है 27 सितंबर तक तमिलनाडु को। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक यहाँ पे एक रास्ता चुना है, वो रास्ता ये है कि हम जो एक्सपर्ट बॉडी है उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है, उसके जो निर्देश है, उसको हम मानेंगे, और ये जो बॉडी है इसके लिए डेट आ रहा है, ये बॉडी जो है वो बेटर प्लेस्ड है। इसको स्थापित किस लिए किया गया है, ताकि ये उपलब्ध पानी का विभाजन कर सके, कब, जब रेनफॉल डेफिसिट ईयर हो, एक ऐसा वर्ष हो जहाँ पे बारिश की कमी हो, तब। काम की बातें ये है, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, एडवर्ब है वो जनरली उस शब्द के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बता रहा है, तो ये वर्ब की विशेषता है तो उससे पहले है, जनरली बता रहा हूँ, बाकी एडवर्ब की पोजीशन को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विजडम से पहले दे इसलिए है क्योंकि विजडम के बाद ऑव लगा के आगे आपको दे रखा है ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसका एन एक्सपर्ट बॉडी इसलिए है क्योंकि एन इस वाउल साउंड के कारण एन आ रहा है, एक्सपर्ट बॉडी की विजडम है, इस कारण से दे लग गया। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, या रहा है इस एक्सपर्ट बॉडी के लिए, इसकी वर्ब फिर इज है, इज प्लेस दी पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। एपोर्शन यहाँ पे नाउन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब है, ये TION क्या है, वर्ब है, क्योंकि TION होकर हमें नाउन की ओर ही एक आदत पड़ रखी है कि TION देखा तो नाउन है। मैं काफी बताता रहता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एंडिंग वर्ड्स या कुछ भी बताया जाता है उसको सामान्यतया लगाया करो, जनरली ये कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उसका अपवाद दिखने में आ जाता है, इसलिए पोर्शन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अवेलेबल वाटर में अवेलेबल एडजेक्टिव है, ये वाटर है वो नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, फिर इसका ये ऑब्जेक्ट है रेनफॉल डेफिसिट ईयर, और ए दे रखा है वो रेनफॉल को देखकर है, और ये नाउन दे रखा है, इसके कारण दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटका हैड अप्रोच्ड, कर्नाटका ने अप्रोच की थी, कर्नाटका की वर्ब हैड अप्रोच्ड है। एपेक्स कोर्ट का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय को, तो कर्नाटका सर्वोच्च न्यायालय गया अगेंस्ट द ऑर्डर, इस आदेश के खिलाफ, ठीक है। कंटेंडिंग, कंटेंड का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, या इसको कहेंगे असर्ट, ये दावा करते हुए दैट की इट वॉज सफरिंग, इट आ रहा है कर्नाटका के लिए, वॉज सफरिंग, ये सफर कर रहा था फ्रॉम ए शॉर्टफॉल, किसके सफर कर रहा था, कि यहाँ पे कमी रही है कितनी, ओवर 53% इन इनफ्लोज की टू इट्स रिजर्वा दिस ईयर। रिजर्वा का मतलब होता है स्टोरेज, जो भंडारण क्षमता है, जहां पर पानी को संग्रहित किया जाता है, उसमें जितना पानी इनफ्लो, इनका मतलब अंदर, फ्लो का मतलब बहना, जितना पानी आना चाहिए था उतना नहीं आया है, 53% से ज्यादा की यहाँ पे कमी रही है। समझिए फिर से, कर्नाटका की वर्ब हैड अप्रोच्ड, हैड अप्रोच, अप्रोच का जो ऑब्जेक्ट है वो एपेक्स कोर्ट, और एपेक्स कोर्ट के पहले दे लगेगा, ठीक है। कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, सर्वोच्च न्यायालय के पास गया, इस आदेश के खिलाफ, ये दावा करते हुए, इट आ रहा है प्रोनाउन इस कर्नाटका के लिए, वॉज सफरिंग इसकी वर्ब है, सफर के साथ में फ्रॉम लगाते हैं प्रेपोजिशन, कि कर्नाटका सफर कर रहा था शॉर्टफॉल का, मतलब कमी रही है 53% से ज़्यादा की आवक कम हुई है बारिश की, इसके भंडारण जो भी हैं, जहाँ पे पानी का जल जो है उस बारिश का पानी जो है संग्रहित किया जाता है, इस साल इसमें 53% से ज़्यादा की कमी रही है, ये इसने कहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फॉलोइंग ए वीक साउथ वेस्ट मानसून, किसके बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, ये वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे, किसके बाद, वीक का मतलब कमजोर, साउथ वेस्ट मानसून कमजोर रहा, इसके चलते यहाँ बारिश कम आई है, तो हम पानी तमिलनाडु को कैसे देंगे, एंड वॉज नॉट इन ए पोजिशन, और कहा है कि कर्नाटक जो है वो उस स्थिति में नहीं है कि वो 5000 क्यूसेक्स पानी जो है 15 और दिनों के लिए दे सके, ठीक है, इतना पानी और नहीं दे पाएगा 15 दिनों तक, ये ज़्यादा मतलब और 15 दिन तक ये पानी नहीं दे पाएगा तमिलनाडु को, ये इसने कहा है। टू इट्स क्रेडिट, ये इसका मतलब है कि ये प्रशंसनीय है, ये इसकी प्रशंसा की बात है। द अपर रिपेरियन स्टेट, रिपेरियन का मतलब होता है लिटोरल, तटीय बोलते हैं इसको, या रिवर साइड, नदी के तट पर बसा, हिंदी में कहेंगे तटीय, ठीक है, अपर मतलब ऊपरी, तो ये एक बहुत ही क्या कह सकते हो क्रेडिट की बात है इसको, इसको इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि तटीय जो राज्य है वो कंप्लाई कर रहा है, वो मतलब कहना मान रहा है, कंप्लाई विद है, इसको आप स्टिक टू भी लिख सकते हो, इसको आप एडहेर टू लिख सकते हो, इसको आप अबाइड बाई लिख सकते हो, ठीक है,
इन सभी का मतलब है ओबे करना। चाहो तो अबाइड बाई लिख दो, चाहे कंप्लाई विद लिख दो, चाहे स्टिक टू लिख दो या अडहेयर टू लिख दो। तो ये बहुत ही प्रशंसा की बात है इस राज्य के, जो तटीय राज्य है कर्नाटका की बात है, कि CWMA के आदेशों को ये पालना कर रहा है अमिड प्रेशर, दबावों के बीच। अमिड मतलब के बीच, अमिड जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन से पहले लग सकता है। दबाव के बीच और प्रोटेस्ट के बीच, आंदोलनों के बीच, विरोध के बीच, फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज। ये दबाव और विरोध किसके कारण है या कौन ये दबाव या विरोध कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो काफ़ी दबाव डाल रही है, विरोध प्रदर्शन है, उसके बीच भी कर्नाटका जो है CWMA के आदेशों की पालना कर रहा है, ये इसको प्रशंसा की बात है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी संगठन भी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कर्नाटका यहाँ पे बातें मान रहा है, ये इसके प्रशंसा की बात है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अर्लियर, इससे पहले, अर्लियर टाइम के लिए आता है, ठीक है। पहली बात तो टाइम बताएगा, दूसरा इसका एंटोनिम जो होता है वो लेटर होता है, LATER। इससे पहले तमिलनाडु हैड अप्रोच्ड, तमिलनाडु गया था किसके पास? कोर्ट में, इन मिड अगस्त, अगस्त मध्य में, टू सीक, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, निर्देश देने के लिए। इसने डिमांड की थी कि निर्देश दिए जाएं किसके लिए? पानी को रिलीज करने के लिए, और कहां से? कर्नाटका के रिजर्वायर से, जो कर्नाटका के पास पानी इकट्ठा हो रहा है उससे पानी रिलीज करने के आदेश दिए जाएं, सो दैट, ताकि द क्वांटम स्टिपुलेटेड फॉर इट, क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं थोड़ी जो मात्रा है, स्टिपुलेट का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड, जो निर्धारित है, हिंदी में लिखना है इसको निर्धारित। तो वो थोड़ा बहुत पानी जो निर्धारित किया गया है इसके लिए, जो अगस्त के दूसरे हाफ के लिए एंड होल ऑफ सेप्टेम्बर और पूरे सितंबर के लिए कुड बी रिलीज, उसको रिलीज किया जा सके। समझिए, इससे पहले तमिलनाडु गया था कोर्ट अगस्त मध्य में निर्देश देने के लिए, कि भी निर्देश दिए जाएं, डिमांड की थी कोर्ट से कि निर्देश दो कि पानी रिलीज किया जाए कर्नाटका के रिजर्वा से। इसको रिजर्वा बोलते हैं, रिजर्वा का मतलब है भंडारण, जहां पानी का संग्रह हो रहा है, ताकि जो मात्रा डिसाइड की हुई है इसके लिए दूसरे हाफ के लिए, अगस्त का दूसरा हाफ है ना, मतलब 16 अगस्त से 31 अगस्त तक की बात है, उसमें जो मात्रा डिसाइड कर रखी है और पूरे सितंबर के लिए जो मात्रा डिसाइड कर रखी है उसको रिलीज किया जा सके, है ना। ये क्वांटम की वर्ब है, वो कुड बी रिलीज्ड है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है द कोर्ट हैड देन सॉट अ रिपोर्ट। सॉट जो है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक, सॉट, सॉट। ये यहां पे हेड दे रखा है तो थर्ड फॉर्म मानिए। कोर्ट ने उस समय एक रिपोर्ट चाही थी CWMA से, CWMA से कहा था कि अब रिपोर्ट जारी करो, विच हैज स्पेल्ट आउट, स्पेल आउट का मतलब है एक्सप्लेन करना, समझाना, इसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसे आप इलस्ट्रेट भी कह सकते हो, इसे आप एक्सपाउंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने उस समय क्या चाहा था? एक रिपोर्ट, किससे? CWMA से। अब CWMA ने क्या किया था? CWMA के लिए विच आ रहा है, इसकी वर्ब है हैज स्पेल्ट आउट, जिसने की समझाया है द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस दिस ईयर, कि इस साल कितना बड़ा संकट है। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, स्तर, लेवल किसका? डिस्ट्रेस का, निश्चित हो गया, दे लग गया। दैट डिस्ट्रेस कैसे? ये डिस्ट्रेस होमोफोरिक रेफरेंस है, यहाँ डिस्ट्रेस से ही पता लग रहा है कि इस साल साउथ वेस्ट मानसून कमजोर रहा है, संकट की घड़ी है, उसको इसने समझाया है, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, द 15-day पीरियड फ्रॉम फॉर विच द करंट CWMA ऑर्डर इज एप्लीकेबल, जो 15 दिन का पीरियड है जिसके लिए वर्तमान का CWMA ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल है, इज आ रहा है इस ऑर्डर के लिए, एप्लीकेबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो 15 दिन का पीरियड है ना, फॉर विच, जिसके लिए CWMA का ऑर्डर एप्लीकेबल है, ये 15 दिन का पीरियड ये हो गया एंड्स, इसका अंत हो रहा है कब? September 27 को। एंड देखो, डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम है फिर तारीख है, और जब हम पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं, तो ये ऑन है। और जो अथॉरिटी की असिस्टिंग बॉडी है, जो अधिकारियों की सहायक एक समूह है, असिस्टिंग बॉडी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, ये कमिटी इज शेड्यूल्ड टू मीट, शेड्यूल्ड मतलब इसने निर्धारित किया, इसका टाइम टेबल है कि ये मिलेंगे 26 सितंबर को, किस लिए? ताकि सिचुएशन को एक बार फिर से कंसीडर करें, सोचे समझें, अफ्रेश का मतलब होता है अगेन, एक बार फिर से, दोबारा, फिर समझिए क्या कह रहा है। 15 दिन का पीरियड, इसकी वर्ब है इज,
15 दिन का पीरियड कौन सा, जहां तक ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, ठीक है, 15 दिन का पीरियड जो इसमें ऑर्डर की वर्ब तो इज है, इस 15 दिन के पीरियड की वर्ब है वो एंड्स है, ये 15 दिन का पीरियड 27 सितंबर खत्म हो जाएगा, और जो अथॉरिटीज का असिस्टिंग बॉडी है और जो ये अधिकारी हैं, ये CWMA है, इसके सहायक एक संस्था है, इसका नाम है CWRC, इस CWRC की वर्ब इज शेड्यूल्ड है, इसकी मीटिंग निर्धारित है 26 सितंबर को, किस लिए कि एक बार फिर से सिचुएशन के बारे में सोच विचार हो सके। द डिस्प्यूट हैज सरफेस्ड, डिस्प्यूट की वर्ब हैज सरफेस्ड है, ये डिस्प्यूट उभर कर आया है आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद में, वंस अगेन एक बार फिर से, हाईलाइटिंग दर्शाते हुए द फैक्ट, इस फैक्ट को, तो ये डिस्प्यूट एक बार फिर से उभर आया है कुछ सालों के बाद में, एक बार फिर से इस बात को हाईलाइट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में हो और एक काम में ING दे रखा हो, कंटिन्यूअस चीज दर्शाता हो, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार फिर से दर्शाते हुए, इस फैक्ट को दर्शाते हुए, दैट कंजंक्शन है, क्या फैक्ट है, फैक्ट ये है कि द पार्टीज नीड अ रेगुलर फार्मूला, कि पार्टीज को, वर्ब है इसकी नीड, इसको आवश्यकता है पार्टीज को एक नियमित सूत्र की, ठीक है, टू शेयर द शॉर्टफॉल एंड डिस्ट्रेस इन ईयर्स व्हेन द मॉनसून फेल्स, कि जब मॉनसून फेल होता है, मॉनसून की वर्ब फेल्स है, उस समय एक ऐसा फार्मूला इनको चाहिए कि जो कमी रह गई है उसको आपस में साझा करे, कर्नाटक तमिलनाडु दोनों, जो दुख है संकट है उसको आपस में साझा करे, ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत है पार्टीज को। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।